हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो ये जो हमारी वीडियो है, वीडियो नंबर 3 है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है ये गुडविल को कैलकुलेट करने का, वैल्यूएट करने का। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस इसमें हम वेट दे देते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए क्या है, दिस मेथड इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड ईच ईयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन द स्टेप 2 अबव आर मल्टीप्लाइड विद द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वेट। इसमें हम कुछ नहीं करते, जो भी हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको हम क्या करते हैं, वेट देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी सालों के हैं उतने वेट दे दिए, और उन वेट को उनसे मल्टीप्लाई करके फिर टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर टोटल प्रॉफिट्स को जो वेट था उनके टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल वेट से डिवाइड करते हैं, तो हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। फिर उस वेटेज एवरेज प्रॉफिट को हम जितने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के लिए गुडविल निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अंडर दिस मेथड ईच ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन द स्टेप 2 अबाउट द मल्टीप्लाइड विद द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वेट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट। द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स इज देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेट्स टू कैलकुलेट द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यही मैंने आपको बताया, देयर आफ्टर द वेट एवरेज प्रॉफिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन द प्रॉफिट शोज द कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर द ईयर्स। देखिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट आप कब यूज करोगे, जब आपके प्रॉफिट ट्रेंड्स जो एवरी ईयर दिखाते हैं, प्रॉफिट ट्रेंड्स जो हैं वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहे हो, पिछले साल से और इंक्रीज हो रहा है, फिर पिछले साल से और इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे ट्रेंड शो कर रहे हैं तो आप वेटेज एवरेज प्रॉफिट वहां लगाओगे अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है यहां पर, देखिए पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट, जो आपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया है जो वेट से आपने, और फिर जो ऐड करा है टोटल प्रोडक्ट्स जो आया है आपका, वो इनटू में डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, जो भी आपने वेट लगाए थे उनको ऐड करके टोटल वेट आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर गुडविल कैसे निकालोगे, जो आपका ऊपर आपने वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, द प्रॉफिट द फर्म फ्रॉम द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। 5 सालों के लास्ट के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है, इसमें 30,000 थे, इसमें 20,000, इसमें 40,000, 50,000, 60,000, इसमें तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, 30,000 से 20,000 हो गए, फिर उसके बाद तो बढ़ ही रहा है ट्रेंड, 20 के बाद 40 हो गए, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, यानी आपके प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, दैट्स मीन आप वेटेज एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पर। आगे देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, इसमें से आप यूज करके कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years ऑफ परचेज, यानी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 3 से, किसको, वेटेज एवरेज प्रॉफिट को, और वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट यूजिंग वेट, वेट दे रखा है आपको, कितने वेट लगाने हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 सालों के 1, 2, 3, 4, 5 वेट लगाने हैं। तो कुछ नहीं करना, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो यहाँ लिखो, ईयर जो प्रॉफिट लिखा है वो यहाँ लिखो, वेट जो आपको लगाने हैं वो यहाँ लिखो, लिख दिया टोटल वेट कर दिया 15 आ गए, 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। ठीक है, और अब क्या करोगे, इसको इनसे मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, एक ये मल्टीप्लाई, 30,000 को 1 से 30,000 आ गया, 20,000 को 2 से 40,000 आ गया, 40,000 को 3 से 1,20,000 आ गया, 50,000 को 4 से 2 लाख आ गया, 60,000 को 5 से 3 लाख आ गया। ठीक है, इनका टोटल कर दोगे 6,90,000, ये टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, आगे देखिए, हाँ जी ये देखिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, 6,90,000 डिवाइडेड बाय ये 15,
ठीक है, क्या आ गया हमारा, ये देखो ये आ गया हमारा 46,000, ठीक है। देन गुडविल निकालनी है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ द ईयर परचेज, वेटेज एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 46,000, अभी यहाँ से निकाला है हमने, इधर से निकाला है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,38,000 हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे वेट लगाने हैं। सिंपल, जो क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको यहाँ पर लिखो, जो वेट है यहाँ लिखो, वेट को मल्टीप्लाई करो, इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट को आप जो भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गुडविल निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल निकल जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो कोई टिपिकल नहीं है, तभी बोला गया है कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें भी सेम ऐसा होता था, बस उसमें वेट नहीं देते थे हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। अगर फर्दर इससे रिलेटेड आपके पास इलिस्ट्रेशन आते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड लगाना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।